আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়ে সমাজের 90% সমস্যার সমাধান সম্ভব। রবিবার প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় আড়ালিয়াস্থিত আগরতলা শাখার কার্যালয়ে আয়োজিত প্রশাসনিক এবং স্বাস্থ্য শিবিরে একথা বললেন পশ্চিম জেলার জেলাশাসক বিশাল কুমার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সচিব পি কে চক্রবর্তী, সদর মহকুমার শাসক মানিকলাল দাস, প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় এবং বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত জোনালের বেহেনজি। স্বচ্ছ ও স্বাস্থ্যকর সমাজের জন্য আধ্যাত্মিকতার প্রচার এই থিমকে সামনে রেখে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই প্রশাসনিক এবং স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত বিভিন্ন প্রান্তের জনগণের স্বাস্থ্য ও প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদান করা হয়। जो मैम ने कहा मैं उसी को थोड़ा और एलोबरेट करूँगा। हम सभी के जीवन में दो तरह के पहलू होते हैं, एक होता है हार्डवेयर जो हमारा शरीर है और एक होता है सॉफ्टवेयर जो हमारा मन है। तो मैं देखता हूँ एज अ मैं इससे पहले डॉक्टरी भी करता था, तो आप सभी को पता है कि हमारे जीवन में जो सबसे ज़्यादा तरह की बीमारियां होती हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर रिलेटेड हैं, जो हमारे हार्डवेयर मतलब शरीर को भी इफेक्ट करती हैं। हम सभी बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, ब्लड शुगर की, बट आप देखेंगे तो इन बीमारियों की मेन वजह है कि हम अपने विचारों को और अपने आचरणों को कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारी मेडिकल साइंस में सिखाया जाता था कि दुनिया में किस वस्तु का नशा सबसे ज़्यादा होता है, तो आप इसे कोई बता पाएगा कि किस पदार्थ का सबसे ज़्यादा अब्यूज़ होता है हमारी लाइफ में? आप बताएं सर, किस पदार्थ का हम लोग अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अब्यूज़ मतलब गलत इस्तेमाल करते हैं? माइंड। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी जीवन में हम लोग गलत वस्तु का इस्तेमाल करते हैं वो है चीनी, शुगर। शुगर इज द वन ऑफ द मोस्ट एडिक्टिव सब्सटेंस इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। और त्रिपुरा में अगर मैं बात करूँ तो लगभग 14% लोगों को या डायबिटीज़ है या वो प्री डायबिटिक कंडीशन में है। आप हो सकता है आप में से कई लोग जो बैठे हैं वो उनको या उनके परिवार में कुछ लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम हो। सिमिलरली ब्लड प्रेशर के लिए भी 80% ब्लड प्रेशर की वजह लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं और उनमें सबसे पूर्ण वजह है कि हम अपनी जो एक्सरसाइज की दिनचर्या है अथवा जो हमारी खाने पीने की जो आदतें हैं उसमें हम लोग मतलब चाहते हुए भी सुधार नहीं कर पाते। जैसे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो बैठे हुए हैं उस वर्ग के हैं जिनको हो सकता है कि ब्लड प्रेशर हो, वो भी अपनी पास हिस्ट्री को देख सकते हैं कि क्या जब उनको कहा गया कि आप एक्सरसाइज करो तो उन्होंने क्या एक्सरसाइज करी, जब उनको कहा गया कि आप अपने खान पान पे कंट्रोल करिए तो क्या उन्होंने खान पान पे कंट्रोल किया। तो अमूमन इन दोनों ही बड़ी वजह जो है हमारे लाइफस्टाइल में डिसऑर्डर्स की और डिजीज की, इसकी मेन वजह ये है कि हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं।